डेली के 200 इनवाइट करने के बाद में 10 नंबर निकाल कर आप उन पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाते हो और उनमें से जो लो फेवरेज आता है लास्ट में 3-4% क्लोजिंग होती है एंड वहां पर आपको एक ऑब्जेक्शन मिलता है आफ्टर द 2CC प्लान। जब आपके नोवस को 2CC प्लान मिलता है तब वो आपसे क्वेश्चन करता है कि सर जो मुझे आपका प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे ये इतने महंगे क्यों हैं, इनका जो प्राइस है इतना एक्सपेंसिव क्यों है। एंड आप भी यार सोच लगते हो यार अब तो ना ये पर्सन मेरे साथ 2CC नहीं करेगा, अब ना ये मेरे साथ ज्वाइन कर ही नहीं सकता बिकॉज सच में हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत महंगे हैं। तो ये तो रही प्रॉब्लम, बट अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर सोल्यूशन देने वाला हूँ। जब भी आपको ऑब्जेक्शन आएगा ना आप बहुत ही आसानी से ना इसको हैंडल कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो ज्यादा टाइम की ना करते वीडियो को स्टार्ट। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये ऑब्जेक्शन जो होता है कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगी, ये आता कब है। ये ऑब्जेक्शन तब आता है जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट की बात करते हो, उसको ना जो अपना बिजनेस प्लान है उसकी ना एक वैल्यू नहीं देते हो, सिर्फ उसको प्रोडक्ट दिखाते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका नोवस है उसको बहुत ही अच्छे लेवल पर P1 P2 की नॉलेज देनी है। अभी P1 P2 क्या होता है, P1 का मतलब होता है प्रोफाइल एंड P2 का मतलब होता है प्लान, मतलब कि जो आपकी कंपनी है, हमारी कंपनी कौन है, फॉरएवर लिविंग। फॉरएवर लिविंग की प्लान क्या है एंड उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, मतलब कि फॉरएवर के अंदर पैसा कैसे आता है, इंसेंटिव कैसे मिलते हैं, बोनस कैसे मिलते हैं, जो उसकी इनकम है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगी। आपको अपने नोवस को ये सारी चीजें शो करनी है बिकॉज आपने उसे इनवाइट क्यों किया है, ताकि वो पर्सन आपके साथ बिजनेस कर सके। आप यहाँ पर प्रोडक्ट की सेल तो कर नहीं रहे, उसको प्रोडक्ट सेल करने आए हो क्या, आपको खुद सोचो आप यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग करने आए हो क्या, नहीं, आप उस पर्सन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर P1 P2 की नॉलेज देनी है, P3 को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करना है, उसको ना बिजनेस प्लान शो करना है अपना। क्योंकि जब आप अपने नोवस को प्रोडक्ट दिखाकर प्लान दिखाते हो ना तब आपको ऑब्जेक्शन बहुत मिलेगा, लेकिन अगर प्लान की जगह पर आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो आपको ना ये ऑब्जेक्शन कभी नहीं आने वाला। तो आपको इस बात को याद रखना, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बार बार पर शो करते हो ना तब उसके माइंड में क्वेश्चन आने लगता है कि यार ये जो पर्सन है, ये जो इस कंपनी में ज्वाइन है, ये इस कंपनी का सेलर है, ये मुझे कन्विंस कर रहा है कि मैं ना इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीद लूं, बस इसका और कुछ काम नहीं है। तो आपको ना वहां पर उसको एग्जांपल देना है आईफोन का कि ब्रदर आईफोन इतना महंगा है बट लोग बाय करते हैं ना उसको। आप जाते हो आईफोन इतना महंगा है बट बाय करते हो, लेकिन जो आईफोन की कंपनी है क्या आपसे बोलती है कि हमारे साथ मिलकर काम करो, नहीं बोलती ना, वो जस्ट अपनी सेल निकालती है आपको। बात करें अगर हम आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की, तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को बेचने आ रहे हो क्या, नहीं ना, आप डियर यहाँ पर बिजनेस करने आ रहे हो। एंड कोई भी बिजनेस हम करते हैं ना तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो होती है, आप अगर चाहे कि रेडी भी लगाते हो ना डियर तब भी आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, एंड उससे भी कम इन्वेस्टमेंट में आपको जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाता है फॉरएवर का। प्लस आपको उससे एक बात बोलनी है कि ब्रदर आपने तो यहाँ पर जस्ट प्रोडक्ट देखा, आपने यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो देखी नहीं, आपने यहाँ पर इनकम अपॉर्चुनिटी तो देखी ही नहीं, आपने जस्ट प्रोडक्ट पर फोकस किया डियर, तब आज आपको ये प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं। बट इसका रिटर्न आपको कितना मिलने वाला है, आप यहाँ पर वर्क करोगे सीखोगे, जब आपको इसका रिटर्न मिलेगा ना वो कितना मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। अब बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि सर यहाँ प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, अगर यहाँ पर बिजनेस ही करना है तो प्रोडक्ट यहाँ पर बिकते क्यों हैं, सेल क्यों जाती है। तो डियर देखो आप भी जानते हो कोई भी बिजनेस होता है ना वो दो कॉन्सेप्ट पर वर्किंग करता है, प्रोडक्ट पर या फिर सर्विस पर। आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हो, वो क्या करते हैं, वो प्लेटफॉर्म आपको सर्विस देते हैं। अब जो हमारा बिजनेस है ये किस पे डील करता है, ये प्रोडक्ट पे डील करता है, राइट। तो प्रोडक्ट सेलिंग इज द वे टू ज्वाइन दिस बिजनेस, आपको ये बात याद रखनी है, जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करते हो ना वो सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए करते हो। तो आपको अपने नोवस को P1 P2 की नॉलेज देनी है, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शो करनी है, उसको इनकम अपॉर्चुनिटी शो करनी है, उसको यहाँ पर आईफोन का एग्जांपल देना है कि आपने यहाँ पर इस प्रोडक्ट पर फोकस किया है, इनकम पर फोकस नहीं किया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर फोकस नहीं किया है। तब आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके माइंड से सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, वो बंदा समझ जाता है कि यहाँ पर मैं बिजनेस करने आ रहा हूँ। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट का अच्छे लेवल पर फॉलोअप लोगे ना हर ट्रेनिंग के बाद में, तो लास्ट में क्वेश्चन भी नहीं आएगा सर यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत ही महंगे।
आपने उसको अभी तक अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की, अभी तक आपने सिर्फ इनकम अपॉर्चुनिटी दिखाई, तो पर्सन उस पर ही फोकस करेगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये ऑब्जेक्शन आता है, तो जो मैंने आपको तरीके बताए, इन तरीकों से आप उसको फॉरवर्ड से हैंडल कर पाओगे। सो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इन पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।